पहला जो लेक्चर था पहले कुछ लेक्चर जो थे वो हाईवे डेवलपमेंट हाईवे प्लानिंग पे थे हाईवे सर्वे पे थे नेक्स्ट जो लेक्चर था वो हाईवे के क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में था जिसमें हम लोगों ने कैम्बर पढ़ा शोल्डर पढ़ा रोड मार्जिन पढ़ा पी आई वी क्या होती है एक्सेट्रा पढ़ा अब हम लोग बात करते हैं साइड डिस्टेंस पे साइड डिस्टेंस जो होता है वो होता है कि जब भी रोड पे जब भी ट्रैवल जब भी कोई व्हीकल ट्रैवल करती है तो जब एक व्हीकल है उस पर उसका कोई कोई ना कोई ड्राइवर का वेदर इट इज़ बस ट्रक कार और बाइक हर को उस पर कोई ना कोई ड्राइवर होता है तो उस जब रोड का जो यूज़ कर रहा होता है तो वो बेसिकली डिपेंड करता है कि सामने जो कौन कौन सी चीज़ दिख रहा है सामने कौन कौन सी चीज़ें उसे दिख रही है ओके okay? तो सामने जो चीज़ें दिख रही है तो उसको बोलते हैं वो साइड डिस्टेंस कि कितनी दूर तक वो देख पा रहा है कितनी अपनी आंखों से वो कितनी दूर तक वो देख पा रहा है उस डिस्टेंस को बोलते हैं साइड डिस्टेंस और साइड डिस्टेंस इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर रोड पे आपको सेफ़ली और इफ़िशियंट वे में चलना है तो आपको आपके लिए साइड डिस्टेंस जो होता है वो सामने आपके पास कितना रोड की का डिस्टेंस अवेलेबल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो फॉर द सेफ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ अ व्हीकल ऑन द रोड डिपेंड्स वेरी मच ऑन द विजिबिलिटी ऑफ द रोड अहेड ऑफ द ड्राइवर इसीलिए जोमेट्रिक डिजाइन शुड बी डन सच डैट एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द रोड लेंथ कुड बी विजिबल टू द ड्राइवर फॉर सम डिस्टेंस अहेड एंड डिस्टेंस इज सेट टू बी साइड डिस्टेंस ओके नेक्स्ट द साइड डिस्टेंस अवेलेबल फ्रॉम अ पॉइंट इज द एक्चुअल डिस्टेंस अलोंग द रोड सरफेस विच अ ड्राइवर फ्रॉम अ स्पेसिफाइड हाइट एव द कैरेज वे हैज़ अ विजिबिलिटी स्टेशनरी ऑफ द ऑब्जेक्ट इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये हुआ कि आप सपोज़ करिए कि इस कार में आप ट्रैवल कर रहे हैं आप सपोज़ करिए कि इस कार में आप ट्रेवल कर रहे हैं इस कार में हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं इस कार में हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं इस कार में हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं और यहाँ पे एक ड्राइवर है सामने एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है स्टोन रखा हुआ है बड़ा सा पत्थर स्टोन रॉक बोल सकते हैं रखा हुआ है तो अब सामने ये कितनी दूर कितनी दूर पे देख सकते ऐसा ऐसा तो नहीं है कि अगर ये आप सपोज़ करिए कि ये कानपुर में ये कानपुर में और ये लखनऊ में रखा हुआ पत्थर देख ले ऐसा तो नहीं है इतनी दूर तो वो देख नहीं सकता इतनी दूर तो देख नहीं सकता तो साइड डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस वो डिस्टेंस जो कि वो किसी स्पेसिफाइड हाइट से एक ऑब्स्ट्रक्शन को देख पाए एक स्पेसिफाइड हाइट से उस ऑब्स्ट्रक्शन को देख पाए स्पेसिफाइड हाइट मतलब क्या होता है वो होता है ड्राइवर की आई रोड से ड्राइवर की आई साइट का जो हाइट होता है वो होता है स्पेसिफाइड हाइट उस स्पेसिफाइड हाइट से जो वो डिस्टेंस वो देख लेगा ताकि अगर सामने अगर पत्थर रखा हुआ है या गड्ढा है या सामने कोई और गाड़ी रुकी हुई है या सामने कोई और गाड़ी ट्रेवल करी है तो वो अपने स्पीड को या अपने व्हीकल को उस हिसाब से मेनोवर करे उस हिसाब से वो चेंज कर पाए उस डिस्टेंस को बोलते हैं साइड डिस्टेंस तो जनरली जो साइड डिस्टेंस होता है वो जनरली कैटेगराइज की गई है तीन पार्ट में पहला पार्ट होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस नेक्स्ट इज ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और लास्ट वन इज़ इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस पहला क्या है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो कि हम लोग आज की क्लास में डिस्कसन करेंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जो कि आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज द मिनिमम साइड डिस्टेंस अवेलेबल ऑन ए हाईवे एट एनी स्पॉट हैविंग सफिशियंट लेंथ टू इनेबल द ड्राइवर टू स्टॉप अ व्हीकल ट्रेवलिंग एट अ डिजाइन स्पीड सेफली विदाउट कोलिजन विद एनी अदर ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है वो साइड डिस्टेंस वो मिनिमम साइड डिस्टेंस जो कि किसी भी हाईवे के कि किसी भी स्पॉट से आप वो एक सफिशियंट लेंथ आपको प्रोवाइड करता है ताकि आप सामने वाले ऑब्स्ट्रक्शन को से टकराए बिना विदाउट उनके साथ कोलाइड किए बिना आप अपने गाड़ी को रोक पाए मतलब सपोज करिए कि इस रोड की जो डिजाइन स्पीड थी ये जो रोड है इस रोड की डिज़ाइन स्पीड थी वी किलोमीटर पर आवर मतलब वो वी यानी कि इसको ले लेते हैं हंड्रेड किलोमीटर पर आवर इसको ले लेते हैं हंड्रेड किलो पर आवर ओके और ये जो डिस्टेंस यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ जो कंस्ट्रक्शन की तरफ बैरिकेडिंग रखा हुआ है ऑब्जेक्ट मतलब रख लीजिए यहाँ पे कि ये बैरिकेडिंग है ये बैरिकेडिंग है बैरिकेडिंग हुआ पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है और आप इस रोड पे 100 किलोमीटर पराबर से ले जा रहे हैं अगर आप यहाँ पे आके इस सबसे नस, इसके नज़दीक में अगर आप आके ब्रेक लगाएंगे तो शायद आपकी गाड़ी रुक ना पाए इसके साथ कोलाइड हो जाए इसके साथ कोलाइड हो जाए ओके और अगर आप इसको बहुत ही पहले अगर आप ब्रेक लगा दे रहे हैं इस रोड पर अगर आप इस रोड पर बहुत ही पहले ब्रेक अगर आप लगा दे रहे हैं तो आप इससे बहुत पहले भी रुक सकते हैं आपको बिना रीज़न पता चले हुए आप रुक सकते हैं लेकिन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है वो मिनिमम साइड डिस्टेंस वो मिनिमम साइड डिस्टेंस जो कि आप इससे टकराए बिना अपनी गाड़ी को रोक पाए तब जब आपकी गाड़ी उस रोड की डिज़ाइन स्पीड पे चल रही है मतलब उस रोड की मैक्सिमम स्पीड पे जब चल रही हो तब यानी कि मेरा मतलब इसका बेसिकली है कि आप अपनी गाड़ी को इस यहाँ कहाँ पर रोकना है आपको आप यहाँ पर आके आपको रोकना है ये गाड़ी को आपको यहाँ पर आके रोकना है टकराने से पहले है. और इससे इससे पहले जब ब्रेक लगेगा तो अच्छा हमें पता है कि न्यूटन्स की जो कैनामेटिक की लॉ थी उसमें ताकि जब भी हम ब्रेक लगाते तो कोई भी गाड़ी तुरंत नहीं रुकती है उस उसमें वो कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल करते तो अगर हम यहाँ से ब्रेक लगाएंगे और यहाँ तक वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहाँ से ब्रेक लगाएंगे यहाँ तक वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इसी डिस्टेंस को इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं साइड डिस्टेंस तो साइड डिस्टेंस में जनरली जो साइड डिस्टेंस को कैटेगराइज किया गया है वो दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है पहला जो पार्ट आता है वो होता है लेग लेग डिस्टेंस दूसरी जो पार्ट आती है उसको बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस लेग डिस्टेंस क्या होता है कि लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था पी आई थेरी के लिए पी आई थेरी वो थेरी होती है जिससे कि हमको ड्राइवर का रिएक्शन टाइम मतलब वो जो सिचुएशन दिखा उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करने में उसे जितना टाइम लगा उस सिचुशन को पे रिएक्ट करने में उसे जितना टाइम लगा उसी टाइम को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन टाइम तो लैग डिस्टेंस जो होता है वो होता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल ड्यूरिंग द टोटल रिएक्शन टाइम और पीआईवी टाइम मतलब कि जब ड्राइवर देखेगा ऐसा तो नहीं कि ड्राइवर देखते ही गाड़ी रोक देगा हमें पता है कि जब वो देखता है उस सिचुएशन को एनालाइज़ करने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है वो टाइम कैसे पता चलता है वो पी आई थियरी से हमें पता चलता था तो उसी टाइम को हम लोग रिएक्शन टाइम बोलते हैं तो जब वो रिएक्शन टाइम जब वो सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के टाइम में व्हीकल जितनी दूर ट्रैवल कर ले जितना दूर ट्रैवल कर ले उसी डिस्टेंस को बोलते हैं लैग डिस्टेंस उसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं लैग डिस्टेंस यानी कि अगर हम सपोज़ करिए कि ये गाड़ी ये जो व्हीकल है ये कार जो है ये डिजाइन इसकी डिजाइन ये ट्रैवल कर रही थी वी यानी कि डिज़ाइन स्पीड पर ट्रेवल कर रही थी और रिएक्शन टाइम जो था वो टी है अभी के लिए रिएक्शन टाइम जो है वो टी है तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा हमें पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू सिंपल सी होता है डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू स्पीड इन टाइम स्पीड इन टाइम स्पीड इसकी कितनी है वी वेलोसिटी इसकी वी थी और ट्रेवल टाइम रिएक्शन टाइम कितना है टी आई के हिसाब से आई के हिसाब से जो एस एस डी कैलकुलेशन के लिए जो आपको रिएक्शन टाइम देने होते हैं वो रिएक्शन टाइम होना चाहिए 2.5 पॉइंट सेकेंड के बराबर में आई के हिसाब से अगर आपको एस एस डी निकाल रहे हैं और एस एस डी के लिए आपको रिएक्शन टाइम देना चाहिए तो वो रिएक्शन टाइम की वैल्यू होती है वो होती है टू पॉइंट फाइव सेकेंड टू पॉइंट फाइव सेकेंड नेक्स्ट बात करें ब्रेकिंग डिस्टेंस ब्रेकिंग डिस्टेंस इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल व्हेन द ब्रेक आर इफेक्टिवली अप्लाइड एंड व्हीकल फाइनली कम्स टू डेड स्टॉप पोजिशन मतलब कि जब हम ब्रेक लगाते हैं जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक सडनली गाड़ी को आ, को एट रेस्ट यानी कि डेड स्टॉप पोजीशन में नहीं है आ, 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 रेस्ट करवाता है वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है जब हम ब्रेक लगाएंगे अपनी गाड़ी पे तो वो कुछ डिस्टेंस पे जाके रुकेगी अचानक सेम एट सेम स्पॉट रुकना डिफिकल्ट होता है जब आप हाई स्पीड पर खासकर जब आप हाई स्पीड पर ट्रैवल कर रहे हैं तो जो डिस्टेंस ब्रेक अप्लाई करने से लेके जब आप द मोमेंट एट विच यू अप्लाइड द ब्रेक एंड द मोमेंट एट विच द व्हीकल कम्स टू फाइनली डेड स्टॉप पोजिशन इन दोनों मोमेंट के बीच में जो व्हीकल ने आपका डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिस्टेंस जो होता है वो ब्रेकिंग डिस्टेंस में होता है वो डिस्टेंस जो होता है वो ब्रेकिंग डिस्टेंस में होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्क एनर्जी का प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा यानी कि चेंज इन एनर्जी इक्वल टू वर्क डन ये कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना पड़ेगा कि जितना एनर्जी चेन में चेंज हुआ और कितना वर्क डन हुआ चेंज इन एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय रिएक्शन फोर्स तो चेंज इन एनर्जी कैसे पता चलेगा देखिए आप एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि ये हमारा एक व्हीकल है इस चीज़ को एक डायग्राम से समझते हैं कि यह हमारा व्हीकल है ये व्हीकल थी और यहाँ पर इस व्हीकल में ये एक वी स्पीड से मूव कर रही है वी स्पीड से ये मूव कर रही है ठीक है तो इस पर रिएक्शन टाइम हम लोग ने पहले डिस्कस कर लिया था इनका रिएक्शन टाइम अब जब ये यहाँ से ट्रैवल कर रही है ये जब यहाँ से ट्रैवल कर रही है तो इस यहाँ से ट्रेवल करने के लिए ट्रैवल करते करते अब यहाँ पर हम लोग ने ब्रेक लगाना अप्लाई किया यहाँ पर हम लोग ने ब्रेक लगाना अप्लाई किया जब हम इस पर ब्रेक लगाना अप्लाई किए तो ब्रेक लगाने से और ये इस पोजिशन पर आकर रुकी ये इस पोजीशन पे आ रुकी यहां पे उन्होंने ब्रेक लगाया और यहां पे आके ये डेड स्टॉप पोजीशन पे रुकी है तो यहाँ पे स्टॉप रुकी हम इसका मतलब क्या है वहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी वेलोसिटी की वैल्यू जीरो होगी यहाँ से यहाँ तक जो इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया इसी डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं ये है ब्रेकिंग डिस्टेंस बी डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग इसको तो अब इसमें वर्क डन कितना हुआ अब हमें पता है कि, कि किसी भी गाड़ी को एक्सेलरेट या डी करने के लिए किसी भी व्हीकल को एक्सीलरेट और डीएक्सीट करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स काम करती है मतलब गाड़ी को अगर चलाना हो तब भी आपको फ्रिक्शनल फोर्स को कंसिडर करना पड़ेगा और गाड़ी जब रुकेगी तब भी फ्रिक्शन फोर्स आएगा ठीक है तो जैसा कि हमें पता है कि फ्रिक्शन फोर्स अगर गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा था ये एफ की वैल्यू है एफ की वैल्यू एफ इक्वल टू क्या होता है एफ इक्वल टू क्या होता है एफ इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल तो हमें अगर एनर्जी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करना हो तो वर्क इन एनर्जी प्रिंसिपल के हिसाब से क्या आता है कि चेंज इन एनर्जी इक्वल टू तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि वर्क डन में फोर्स होता है लेकिन यहाँ पे एक ही फोर्स आता है वो फोर्स कौन सा आएगा फ्रिक्शनल फोर्स आएगा तो चेंज इन एनर्जी कितनी हो जाएगी इनिशियल में गाड़ी मूव कर रही थी वी वेलोसिटी से तो इसकी कैनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है हाफ एम बी स्क्वायर नेक्स्ट में जब व्हीकल रुक गई है तो अब इसकी वेलोसिटी कितनी है जीरो तो अगर हाफ एम बी स्क्वायर में वी अगर जीरो कर देंगे तो वहां पर एन एनर्जी इनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाती है जीरो इनर्जी वैल्यू कितनी आ जाती है जीरो वर्कडाउन कौन वर्क कर रहा है वर्क वर्कडाउन कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू वे कितनी होती है तो कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल फोर्स कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स वर्क वर्कडाउन कितना लेंथ इन्होंने ट्रेवल किया वर्क वर्कडाउन इक्वल टू क्या होता है फोर्स इन लेंथ फोर्स इंटू डिस्टेंस टेबल तो फोर्स इंटू डिस्टेंस टेबल हमने रख दिया हाफ एम बी ए स्क्वायर इक्वल टू एफ इंटू एन एन इक्वल टू क्या है अगर ये एन है एन मतलब क्या हुआ रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन तो अगर हमें न्यूटन का लॉ पता है तो हमें पता है कि ये W वेट इसका लग रहा होगा तो F इं टू एन डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग w इक्वल टू एम इन टू जी लिख सकते हैं तो F इन टू एन को अगर हम लिखे तो F इक्वल टू एन को ये भी लिख सकते हैं F इन टू एम इन टू जी तो हमने वही कि F एफ इक्वल टू एम इन टू जी हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एफ एम जी एल यहाँ से एम से एम कैंसिल हो गया तो एल इक्वल टू लिख सकते हैं एल इक्वल टू वी ए स्क्वायर अपॉन टू जी एफ एल इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन टू जी एफ यहाँ पे L जो है वो क्या है वो ब्रेकिंग डिस्टेंस है मतलब गाड़ी को ब्रेक लगाने से लेकर रुकने तक में इतना डिस्टेंस गाड़ी ने ट्रेवल कर लिया इतना डिस्टेंस गाड़ी ने ट्रेवल कर लिया यहाँ पे V क्या है V है वेलोसिटी ऑफ व्हीकल जिस वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रहा था G क्या है जी है एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एफ क्या है एफ है कॉफिशियंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कॉफिशियंट ऑफ लॉन्गिट्यूनल फ्रिक्शन तो जैसा कि हमें पता था कि एस एस डी इक्वल टू क्या होता है लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस तो लैग डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई लैग डिस्टेंस की वैल्यू आई थी वी इंटू टी लेग डिस्टेंस हमें पता था कि रिएक्शन टाइम रिएक्शन टाइम में जितनी दूर व्हीकल ट्रेवल कर लेगी उसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं तो रिएक्शन टाइम वी इंटू टी और यहाँ पे ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना वी ए स्क्वायर अपॉन टू जी एफ ब्रेकिंग डिस्टेंस हमने जस्ट निकाल चेंज इन एनर्जी इक्वल टू वर्क इनर्जी आगे एस एस डीवल टू हम लिख सकते हैं वी इंटू टी वी ए स्क्वायर अपॉन टू जी एफ नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारा जो ये साइड डिस्टेंस है ये किस किस पे डिपेंड है सबसे पहला जो डिपेंड था जिसपे डिस्टेंस डिपेंड था वो था रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर सर जिस पे लैग डिस्टेंस डिपेंड था वो क्या था रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इज द टाइम टेकन फ्रॉम द इंस्टेंट द ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू द ड्राइवर टू द इंस्टेंट वेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड मतलब कि रिएक्शन टाइम मतलब हुआ कि जिस टाइम पे ड्राइवर ने उस चीज़ को देखा उस टाइम से जिस टाइम पे ड्राइवर ने ब्रेक लगाया उस टाइम तक के टाइम को बोलते हैं रिएक्शन टाइम उस टाइम तक के रिएक्शन टाइम मतलब कि ये टाइम वो टाइम हुआ जिसमें ड्राइवर ने उस चीज़ को देखा देखने के बाद उस चीज़ को उन्होंने आ, ब्रेन ने उस हिसाब से रिएक्ट किया रिएक्ट करने के बाद एक मैसेज किया मैसेज डिलीवर कि, वापस हमारे सेंस ऑर्गेन के पास किया उस पर जब हमने रिएक्ट किया तो रिएक्शन से पहले वाला टाइम मतलब कि ब्रेन के ऑपरेशन में जितना टाइम लगा होगा ब्रेन को फंक्शन करने में जो टाइम एनालाइज करने में जितना टाइम लगा होगा उस टाइम को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन टाइम नेक्स्ट जो था स्पीड ऑफ व्हीकल जैसा कि हमें पता है कि एस एस डी क्वल हमें पता है वी इंटू टी प्लस वी स्क्वायर पॉइंट मतलब यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है स्पीड ऑफ द व्हीकल जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मतलब जितनी तेज स्पीड होगी जितना तेज स्पीड होगा साइड डिस्टेंस आपको उतना ही ज्यादा लगेगा मतलब अगर उस कॉमंस की बात है ना अगर हम बहुत ही तेजी से रोड पर ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें अपने गाड़ी को रोकने के लिए भी उतना ही तेजी से क्या लगता है टाइम लगता है उतना ही तेजी से क्या लगता है टाइम लगता है उतना ही ज्यादा टाइम लगता है उस गाड़ी को रोक मतलब उतना ही ज्यादा दूर डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है तीसरा इफिशियंसी ऑफ ब्रेक आपका ब्रेकिंग का आपका आपकी गाड़ी की ब्रेक की कंडीशन कैसी है वो डिपेंड करता है कि आपने सही से गाड़ी की सर्विसिंग करवाई है कि नहीं करवाई है आपने अपने गाड़ी के ब्रेक पैड वगैरह सही से चेंज करवाए कि नहीं करवाए तो आपका ब्रेक का कंडीशन कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है नेक्स्ट डिपेंड करता है फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस मतलब क्योंकि हमें पता है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस गाड़ी रुकेगी किसकी कि वजह से फ्रिक्शन की वजह से तो फ्रिक्शनल जो कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन जो है उसका भी क्या कंडीशन है अगर आपका सर्फेस ड्राई है अगर आपका सब मतलब गर्मी का मौसम मौसम है और सरफेस ड्राई है तो फ्रिक्शनल रसिस्टेंस जो होगा वो अच्छा खासा रसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस एक अच्छा खासा रजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा गाड़ी आराम से रुक रुक जाएगी लेकिन अगर आपका सर्फेस गीला है वेट वेट सर्फेस है तो फ्रिक्शनल रजिस्टेंस कम हो जाएगा फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस कम हो जाएगा तो गाड़ी को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा रुकने के लिए नेक्स्ट ग्रेडियंट ऑफ द रोड अगर आप जो है वो अप ग्रेडियंट में मूव कर रहे हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे ग्रेडियंट कैसे प्ले कर रहे हैं लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप अप ग्रेडियंट में मूव कर रहे हैं अगर हम लोग अप में मुझे मूव कर रहे हैं तो अप में मूव करने की वजह से एक डाउनवर्ड जो होगा वो रेजिस्टेंस फोर्स व्हीकल फील करेगा जिसके कारण से अप पे आप आसानी से अपने गाड़ी को टकराने से कोलाइड होने से रोक सकते हैं लेकिन अगर आप डाउन ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं अगर आप डाउन ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा फोर्स जो एक्ट होगा जिस उस जो कि व्हीकल के स्पीड में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा मतलब स्पीड बढ़ाने में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा जिसके कारण से आपको ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए व्हीकल को रोकने के लिए ओके okay. नेक्स्ट बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑन एस एस डी एस एस डी पे ग्रेडियंट अप ग्रेडियंट का मतलब हुआ कि स्लोप कैसा रहेगा वो अपवर्ड स्लोप रहेगा स्लोप कैसा रहेगा वो अपवर्ड स्लोप रहेगा कुछ इस तरीके से कि ये हमारा स्लोप है ये अप ग्रेडियंट है ये जो वैल्यू है ये थीटा है स्लोप की वैल्यू जो है ये ठीठा है ओके okay. तो पहले क्या था कि व्हीकल यहां थी व्हीकल यहां थी यहां से व्हीकल मूव करना शुरू किया व्हीकल यहाँ से मूव करते 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 वहीकल कहाँ पहुँचा यहाँ पे पहुँचा सामने को, कोई ऑब्स्टेकल था वहीकल यहाँ पहुँच गया टकराने से पहले व्हीकल रुक गई है ठीक है यहाँ पे रुकिए यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी वी यहाँ पे वेलोसिटी व्ही इक्वल टू कितना हो गया जीरो यहाँ पे इक्वल टू क्या हो गया जीरो हो गया तो अब हम देख सकते हैं कि इस व्हीकल का वेट कहाँ लग रहा होगा डब्लू नीचे ये व्हीकल का वेट डब्लू नीचे लग रहा होगा तो ये एक इक्वेशन बन के आएगा ये क्या हो जाएगा डब्लू कॉस्टिटा और ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा W sin थीटा और यहीं पे यहीं पे एक और चीज़ लग रहा होगा एक और चीज़ हम लोग इस पर ऑब्जर्व करेंगे कि यहीं पे सेम पोर्शन पे फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा इसी डायरेक्शन में इसी डायरेक्शन में गाड़ी फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा F ठीक है तो इस इसमें अगर एनालाइज करें तो इसमें एनालाइज में सबसे पहली बात क्या distance तो है लेग डिस्टेंस तो सेम रहेगा लेग डिस्टेंस जो है वो वेट पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो लैग फ्रिक्शन फोर्स पे कोई डिपेंडेंट ही नहीं है तो लैग डिस्टेंस इक्वल टू सेम रहेगा तो लैग डिस्टेंस जो रहेगा इसमें लैग डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो लैग डिस्टेंस इक्वल टू वी इंटू टी रहेगा ब्रेकिंग डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं इसमें अगर हम लोग इसमें ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात करें तो ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए हमें ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए हमें फिर से वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं सिंपल सी बात है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वर्क तो तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हाफ एम वी वेलोसिटी जीरो है तो माइनस जीरो ही लिखते हैं वर्क डन वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा अब हम लोग देखिए यहां पे कि वर्क डन कौन गाड़ी को रोकने के लिए काम कौन कौन कर रहा है दो फोर्स काम कर रहा है एक तो ये एफ फ्रिक्शन फोर्स और दूसरा कौन साइन काम कर रहा है डब्लू साइन कि वो जो ये वर्क वेट है इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी तो रिएक्ट सपोर्ट कर रहा है इसको यानी कि ये किसके कारण से वर्क डन हो रहा होगा वो हो रहा होगा एफ प्लस एफ एफ प्लस W साइन थीटा और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये एल हो जाएगा डब्लू साइन एफ प्लस डब्लू साइंटीटा और एफ इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहां पे अब यहां पे इस इक्वेशन को देखें इस को, को देखें तो नॉर्मल फोर्स कैसा लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स जो होगा वो ये होगा नॉर्मल फोर्स ये होगा तो एन इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं एन इक्वल टू डब्ल्यू कॉस्टिटा और एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कॉपिशेंट ऑफ फ्रिक्शन इन टू एन होता है तो अगर हम इस इक्वेशन को फर्दर अगर हम मॉडिफाई करें तो f इक्वल टू हम आराम से लिख सकते हैं इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे हम लोग अगर f इक्वल टू आराम से लिखें तो एफ एन एफ इन टू एन की जगह पे हम लोग एफ इन एन की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे एफ इन आराम से डब्लू कॉस थीटा लिख सकते हैं एफ इन एन की जगह हम लोग यहाँ पे आराम से डब्लू कॉस थीटा लिख सकते हैं डब्लू कॉस थीटा प्लस यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डब्लू साइन थीटा इंटू एल अब एक चीज देखेंगे अब जो कि हमें पता है कि थीटा की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है थीटा की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है थीटा की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है तो हम इसमें क्या करेंगे कॉस्ट थीटा इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन ले लेंगे और साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा ले लेंगे साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा ले लेंगे ओके ये एक्जम्शन हम लेंगे इसमें कि डब्ल कॉस्ट ठीटा इक्वल टू वन एंड साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा तो अगर हम इस इक्वेशन में जाएंगे इस इक्वेशन को अगर हम फर्दर लिखें तो डब्लू कॉस्ट ठीटा की जगह क्या लिखेंगे डब्लू कॉस्ट ठीटा की जगह डब्लू कॉस्टिटा की वैल्यू वन हो गया तो ये क्या हो गया एफ इन डब्लू हो गया ये जो वैल्यू हो गई ये डब्लू कॉस्टिटा क्या हो गया एफ इंटू डब्ल्यू हो गया एफ इंटू डब्ल्यू हो गया और W साइन थीटा की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमें डब्लू साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा लिख देंगे डब्लू साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा लिख दिया जाएगा तो यहाँ पे टेन थीटा और यहाँ पे जो है डब्ल्यू इतना ही रह जाता यहाँ से हम क्या करेंगे डब्लू कॉमन लेंगे हम लोग तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ़ प्लस टेन इन टू एल और ये जो W है वो उसको आराम से हम लोग लिख सकते हैं W इक्वल टू एम इन टू जी डब्ल्यू इक्वल टू एम इन टू जी लिख सकते हैं हम लोग तो इसको अगर हम एम इन टू जी लिखें एम इन टू जी एम इन टू जी और ये हाफ एम बी स्क्वायर इधर से था तो हाफ एम बी स्क्वायर तो रहेगा ही एम से एम कैंसल आउट हो गया एम से एम कैंसल आउट हो गया तो एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एल इक्वल टू अगर हम लोग लिखें तो एल इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एल इक्वल टू लिखा जा सकता है वी स्क्वायर अपॉन टू जी इंटू एफ प्लस टेन थीटा और टेन थीटा जो होता है वो स्लोप है और स्लोप को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से स्लोप को क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं एन से स्लोप को क्या रिप्रेजेंट करते, है? करते हैं स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं वी स्क्वायर अपॉन टू जी एफ प्लस एन परसेंट में इसको लिखेंगे हम लोग परसेंट में ये आ गया कि जब जो है व्हीकल अप ग्रेडियंट में हो तब ये व्हीकल पे का जो ब्रेक डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा व्ही स्क्वायर अपॉन टू जी इंटू एफ प्लस एन प्रैकेट में परसेंटेज में ये रहेगा ओके नेक्स्ट जो केस हम लोग एनालाइज करेंगे वो जब डाउन ग्रेडियंट में व्हीकल हमारा ट्रेवल कर ट्रेवल कर रहा है तब क्या होगा तो डाउन ग्रेडियंट के लिए हम लोग स्लोप कुछ इस हिसाब से बना देते हैं ये हमारा स्लोप है और ये ठीक है ये डाउनवर्ड स्लोप है ये डाउनवर्ड स्लोप है व्हीकल यहां से स्टार्ट हुआ व्हीकल यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे आके उसे रुक जाना है यहां पे आके इसे रुक जाना है यहां जो वेलोसिटी थी वो वी थी और यहाँ जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो वी इक्वल टू जीरो होनी चाहिए थी हाँ सिंपल सी बात है तो अगर हम इसका भी वेट कंपोनेंट लें तो ये हो गया एम इंटू जी ये हो गया जाएगा एम इन जी कॉस थीठा और ये जो पोर्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एम इंटू जी साइन थीठा हॉर्जेंटल जो पोर्शन है वो आउट इस पर सेम फ्रिक्शन के डायरेक्शन में लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो वो क्या हो जाएगा एम इंटू जी इंटू साइन थीटा अगर हम इस चीज़ को अगर आप लोग हम लोग इस चीज़ को अगर इसी चीज़ को और फ्रिक्शनल फोर्स कैसा लग रहा होगा गाड़ी को रोकने के लिए वो ये लग रहा होगा तो लेग डिस्टेंस तो सेम रहेगा वी इंटू टी रहेगा ब्रेकिंग डिस्टेंस पर हम लोग ऑपरेशन अगर करें मैथमेटिकल ऑपरेशन करें ब्रेकिंग डिस्टेंस को लेकर तो ब्रेकिंग डिस्टेंस को लेकर मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या था चेंज इन एनर्जी एनर्जी इक्वल टू वर्क डन चेंज इन एनर्जी कितना हो जाएगा तो चेंज इन एनर्जी तो वही रहेगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू एफ माइनस एम जी साइन थी एफ माइनस एम जी साइन थी एल्व एम जी साइन थीटा इन टू एल एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एफ इक्वल टू हमें पता है कि एन होता है एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा तो एफ इक्वल टू हम आराम से लिख सकते हैं एफ फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू एफ एम जी कॉस एफ इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा एन ओके तो यहां से हम क्या करेंगे हम लोग और हमें पता है एजम्पन फिर से अगर हम एजम्पन फिर से लें तो कॉस्ट थीटा इक्वल टू तो वन ले लेते हैं और साइन थीटा इक्वल टू तो टेन थीटा कर देते हैं ओके तो एफ़ इक्वल टू तो एम जी कॉस्टिटा की जगह ये बस एम जी बचेगा तो एम जी अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी एफ माइनस टेन थीठा इन टूवेल्व वापस बाहर में क्या है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ से एम से एम कैंसल आउट हो जाएगा एम से एम कैंसल आउट हो जाएगा तो यहाँ से अगर ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात करें तो ब्रेकिंग डिस्टेंस इस केस में हमारा कितना आएगा ये आ जाएगा वी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू जी इंटू एफ माइनस टेन थीटा एफ माइनस और टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं टेन थीटा को हम लोग एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्लोप के परसेंटेज से तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन टू जी एफ एफ माइनस एन परसेंट यह हो गया l ओके okay? नेक्स्ट अगर हमारे गाड़ी जैसा कि हमें पता है कि ब्रेकिंग एफिशियंसी भी हमारे साइड डिस्टेंस को आ, आ, को इफेक्ट करता है तो अगर हमारे न्यूमेरिकल में या हमारे पास ब्रेकिंग एफिशियंसी भी पता रहे कि गाड़ी की एफिशियंसी अगर 100 परसेंट नहीं है ब्रेकिंग की एफिशियंसी 100 परसेंट नहीं है तो उस केस में से एस एस हम कैलकुलेट करेंगे एस एस डी को इसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे एस एस डी इक्वल टू वी इन टू टी लेग डिस्टेंस तो हमेशा सेम रहेगा लेग डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं रहेगा वी स्क्वायर अपॉन टू जी फिक्स कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू ब्रेकिंग एफिशियंसी फिसन फ्रिक्शन टू ब्रेकिंग एफिसियंसी जहाँ पे वी जो है वो क्या था डिजाइन स्पीड इन मीटर पर सेकेंड वी स्क्वायर जो था वो आ, जी जो है वो एक्सन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू क्या होती है नाइन पॉइंट एट वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एफ क्या था कॉपी ऑफ फ्रिक्शन था और बी क्या हमारी ब्रेकिंग एफिसियंसी है ओके थैंक यू